हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है 1:30 बजे से। और जस्ट अभी हम फ्री हुए हैं, मतलब सारा काम, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे किट्टी वगैरह कुछ भी हो घर पे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है ना, और गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हमारी, जो भी हमारी किट्टी मेम्बर्स हैं सबकी। और फिर उसके बाद जितने हमारे क्रॉकरी वगैरह निकाले हुए थे सब हमने खुद धो धा के अपने पूरा सेट किया, पूरा घर सेट करना था। पहले दिन अलग सेट होता है, फिर दूसरे दिन अलग से सेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद सारा सुबह नहा धो के जस्ट अभी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा कि चावल भी रख देती हूँ, छोले चावल बना देते आज। और मैंने चावल रखे अभी और छोले तो बन चुके हैं, तो बस वही कर रहे थे और इतना ज़्यादा फैल गया हमारा घर, तो वही समेटा समेटी में लगे हुए थे। तो फटाफट से चावल बनाते हैं और फिर उसके बाद पूरा और थोड़ा सा समेटा समेटी करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और आई होप कि आपने मेरा कल वाला ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। चलो मिलती हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ हमारे छोले बन चुके हैं, थोड़े से गाढ़े हैं, ये थोड़े पतले करेंगे। और इसमें रखे हैं मैंने चावल जो मेरी मम्मी और सानवी के लिए हैं। तो बस चावल बनने रख दिए मैंने। और अब मुझे पता, मेरी कवर ना इतनी ज़्यादा मैसअप हो गई है, कल मैंने जो भी अपना मेकअप का प्रोडक्ट था वो निकाला और चूड़ियाँ वगैरह निकाली, क्योंकि सानवी के सोते सोते मुझे सारे काम करने होते हैं। अगर जहाँ सानवी उठ गई उसने देखा कि मैं मेकअप कर रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ काम वगैरह, और वो उसी टाइम शुरू हो जाती। मेरे बैंगल्स मैंने काफ़ी टाइम से निकाले हुए नहीं थे, तो क्योंकि कोई ऐसा ओकेज़न ही नहीं आया। और घर पे मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि चुप जाते हैं सानवी को, तो नॉर्मली मैं घड़ी कड़ा ऐसी चीज़ें पहनती हूँ, तो वही मैंने कल निकाले थे। और उसी टाइम जैसे मैंने निकाले सानवी उठ गई, है ना, सानवी उठ गई, तो मैंने फटाफट से येलो कलर के बैंगल्स पहने और उसके बाद उसने जो अपने हाथ में डालना शुरू किया, इतने ज़्यादा हौच पौच हो गए। और अभी मेरी अलमीरा पूरी ख़राब हुई पड़ी, दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो, ये कल मेरा इतना जल्दी मैंने सारा सामान ठूसा इसमें, ठीक है। और बैंगल्स वैसे मैं इसमें बॉक्स में रखती हूँ जो आपने देखा होगा मीशो वाला, और इसकी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो क्या ही कह दूँ। तो इस बॉक्स में रहते मेरे बैंगल्स, जिसके सारे ये सामने ने भी निकाल देंगे। और उसके बाद इसमें ये मैंने इसे अच्छे से सेट करके लगाया था और सानवी ने इसका ऐसा कबाड़ कर दिया, तो मुझे पूरा सेट करना पड़ेगा वापस से, फटाफट से इसे सेट करते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ सारा सेट कर दिया अपना। अब इसे बंद करके इसमें बॉक्स में पैक कर दिया। तो चलिए, बैंगल्स का काम तो हो गया, अब रह गया मेरी अलमीरा का काम। और जब तक सानवी अपनी चाची के कमरे में अपनी अलमीरा फटाफट से समेट देती हूँ। और ये कलर मैंने मंगाया था मीशो से, जिससे मेरे इतने अच्छे कल बाल कर्ल हुए थे, देखा होगा आपने, बहुत सुंदर लग रहे थे। चलो तो ये देखो, मुझे अपनी अलमीरा साफ़ करते करते क्या मिला। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट और लास्ट यही रहा होगा उनका सरप्राइज़ मेरे लिए, मतलब 7-8 सालों में, क्योंकि हमारी जब रोका हुआ था उसके बाद उन्होंने मुझे ये बना के दिया था अपने हाथों से, और अभी तक मैंने इसे समेट के रखा था और ये मुझे आज मिला। बस उसके बाद से कोई सरप्राइज़ नहीं, कोई नहीं, बस शादी होगी तो ख़त्म हो गया बात है। हे भगवान, तब मैं कितनी पतली हुआ करती थी ना, देखो। और अब देखो मेरा हाथ, कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। इतना बड़ा पापड़, इतना उग जाएगा ना। तो काम करते करते खाना भी जरूर, उसके बाद जब हम जयपुर गए थे वहाँ इतना बड़ा पापड़ था, एक उसका मिनी वर्जन होगा। मुझे भी मुकबैंग बना दिया, क्या बात, सुनना। ऐसे तो मुकबैंग बनाता ना, खर्चड़ खर्चड़ कर दिया। तो फाइनली मेरी अलमारी थोड़ी सी ठीक हुई, यहाँ मैंने सारा अपना मेकअप का प्रोडक्ट जो भी डेली यूज़ का सामान रख दिया, और इधर पीछे दवाइयाँ जो भी सानवी की होती है, और इतने सारे मेरे पास पिगी बैंक है, पैसे किसी में भी नहीं है बट रखे। इस बॉक्स में डाल दी मैंने सानवी की सारी क्लिप्स वगैरह। तो फाइनली मेरी कवर हो चुकी है ठीक, और अब आई मेरे हस्बैंड के कवर की बारी, क्योंकि प्रेस किए हुए थे कपड़े। संडे कभी भी बोरिंग डे नहीं हो सकता, संडे बहुत ज़्यादा बिजी वाला दिन हो जाता है कि काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, और कहीं जाना तो होता नहीं। मंडे से संडे बीत जाता है पर जाना नहीं होता, लेकिन काम फुल्ली ऑन रहता है 24 घंटे। यहाँ सारी शर्टें मैंने लगा दी क्योंकि उन्हें हर डेली ऑफिस जाना होता है, उसकी वजह से उन्हें सारी फॉर्मल शर्टें।
हो गया काम। तो फाइनली आधा काम निपट चुका है और अब आती है बारी लंच की, और उसके बाद सानवी को थोड़ी देर सुलाऊंगी। 2 बज चुके हैं और कल शायद ग्रहण भी है ना, बट यहाँ तो है नहीं शायद, क्योंकि यहाँ धूप उसकी वो है छाया, कौन सी होती है जो नाइट मतलब रात वाला सूर्य ग्रहण है यहाँ पे। और अब करते हैं लंच, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होगा। अब हमारा लंच कंप्लीट हो गया और मैंने सानवी को सुला भी दिया, जो लेट सोई थी 3:15, और दिन तो 2:30 उसका हो जाता है कि जैसे स्कूल से आए वैसी चित्त हो जाती है। आज उसकी छुट्टी थी ना संडे की वजह से उसका लेट हो गया। तो अब मैं जाती हूँ लस्सी बनाने के लिए, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है तो लस्सी बनाने जाते हैं बाहर। उजड़ा लंबिया इमां भी माड़ा मैनु लोड़नियाँ लंबिया। मेरी लस्सी हो चुकी है रेडी, टन टन, ये मेरी और ये मम्मी की, वेरी गुड, कितनी सही बना देती हूँ मैं। एंड टाइम भी लस्सी ठंडी ठंडी। ये काइट देखो कितनी क्यूट है, इसे कितने प्यारे से बर्ड्स बने हुए, 2 दिल बने हुए। और ये देखो ये काफ़ी सारी है, काइट्स एक नहीं बहुत सारी ले आई मम्मी, इसका बैक एंड फ्रंट। आज हमारी आई है न्यू क्रॉकरी रखने के लिए, बहुत ही अच्छी सी अंधेरा। मैंने अभी इसका ढक्कन खोल दिया, ऊपर भी सेम है, इसे नीचे कहाँ से वैसे। टन टन। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये मिनी वाला ब्लॉग पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दिन भर का जितना मेरा रूटीन चलता रहता है, जिस दिन मैं जो जो काम करती रहती हूँ वही मैं शेयर करती जाती हूँ आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा भी इतना सा भी जरा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। और नेक्स्ट वाला वीडियो या ब्लॉग जो भी आएगा सो कोशिश करूँगी कि और अच्छा आए और बेटर आए और आप लोगों के लिए इंजॉय वाला हो, है ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला ना हो। और तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।